से वीडियो स्टार्ट करने का कोई खास मकसद तो नहीं था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर दी। मेरे पास बेसिकली इस्तांबुल में टाइम बहुत कम है, मैंने बहुत शॉर्ट टाइम रखा है इस्तांबुल के लिए। मैं बेसिकली ये वाली चीज़ें पहन के बाहर चला गया और सोचा कि नॉर्मल ठीक है, लेकिन बाहर शदीद किस्म की हवा है। तो अभी मैं अपनी जैकेट चेंज करने के लिए आया हूँ। ये था मेरा होटल जो मैंने ऑनलाइन तो नहीं, खैर एक मिनट, मैंने कॉल पे बुक किया था, और ये रहा मेरा रूम। एंड जैकेट चेंज करनी है जस्ट क्योंकि बाहर हो रही है शदीद ठंड। और अभी का प्लान कुछ इस तरह से है कि यहाँ से जाना है आया सोफिया, सुल्तान अहमद स्क्वायर, सुल्तान अहमद मॉस्क, एंड देन वहाँ से ग्रैंड बाज़ार, ग्रैंड बाज़ार से फिर वो फेरी लेकर बयोकदा। तो अब देखता हूँ पहले फेरी लेनी है या पहले सुल्तान अहमद स्क्वायर जाना है, टाइम को देखते हुए, क्योंकि अभी टाइम ऑलमोस्ट 2 बज चुके हूँ। मैंने उठ के सुबह पहले काम किया ऑफिस का, फिर उसके बाद मैं अपने ट्रिप के लिए निकलूँगा, तो रात में ही इंशाल्लाह वापस आऊँगा। तो अभी जल्दी जल्दी जैकेट चेंज करता हूँ, आपको बाहर जाके दिखाता हूँ फिर। चलें जी, मैं अभी पहुंच गया हूं एमिन उनो, और यहां से मुझे लेनी है। प्लान कुछ इसी तरह से बना है कि पहले बयोकदा जाना है, फिर उस अभी फेरी का टाइम है मेरा ख्याल 12:30 बजे का, तो वो पकड़ के तो फिर 4:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा। और बयोकदा से होके देन फिर रात में ग्रैंड बाज़ार और सुल्तान अहमद मॉस्क ये सारा कुछ कर लूँगा। तो फ़िलहाल मेरे सामने बोट लगी हुई है, टिकट मैं लेता हूँ। कितने की टिकट है वो भी अभी आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अर्जेंट चीज़ें करनी है आज मुझे। तो जी गाइज, टिकट मैंने ले लिया है बयोकदा का। फेरी जाएगी मेरी ये वाली, मेरा ख्याल यही होगी या उससे आगे वाली खड़ी हुई है वो होगी। तो 12:45 पे अभी टाइम हो चुका हुआ है 12, और ये इस टाइम मैंने कहा चलें इधर उधर क्या घूमना है, पहले भी कल भी मेरी दौड़ें लगी थी एयरपोर्ट पे भाग भाग दौड़ के पहुंचने में। तो अभी थोड़ा सा सुकून से जाए ना वो फेरी का टूर करके आता हूँ। ये है इस टाइम मैं खड़ा हूँ फिर मरमरा पे, जो मरमरा इनका रीजन है उस साइड पे हो गया बास्फोरस साइड, और ये होगी मरमरा साइड, और ये ओल्ड अंतालिया। वो चीज़ जो आपको सबसे बड़ी नज़र आ रही है ये है गलाटा टावर। और रात जो मैं मस्जिद देखने के लिए गया था वो उस साइड पे, ये वाली मस्जिद, ये थी सुलेमानी मॉस्क। तो अभी यहाँ से मेरा ख्याल है कि वो लगाएगी घंटा या सवा घंटा लगाएगी फेरी बयोकदा, बयोकदा पे उतर के थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके फिर नेक्स्ट फेरी पकड़ के वापस आ जाऊँगा, जो कि मेरा ख्याल है कि 4:30 बजे का टाइम होगा। और आके फिर ग्रैंड बाज़ार, सबसे पहले ग्रैंड बाज़ार जाना है, ग्रैंड बाज़ार एक्सप्लोर करके तो फिर फिर रात में देखूँगा क्या करना है। ये जी लग गई है अपनी फेरी, और 12:45 इसका टाइम था, लेकिन लेट है। चले देखते हैं, अभी लोग लोड हो रहे हैं ऊपर, पर इतना बड़ा जहाज़ है और बंदे 25-26 हैं सारे।
सामने ऊपर पूरा आइलैंड है, इसमें लोग रहते हैं, कोई रोड नहीं आता है यहाँ पे, बोट से ही आते हैं, बोट से ही जाते हैं। लोगों की अपनी प्राइवेट बोट्स भी हैं, पब्लिक बोट्स भी चलती हैं जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं, जो कि 16 लीरा में आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे मैं भी अभी 16 लीरा देकर यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो है ये इस तरह, ये छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, और यहाँ पे आके आप रुक भी सकते हो। ऑनलाइन देखना पड़ेगा बुकिंग है अवेलेबल के नहीं है। रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं तो नीचे ये इस जगह पे, तो ऐसा कुछ है। उधर पीछे रह गया पूरा इस्तांबुल, ये वाली साइड आपको नज़र आ रही हो तो ये पूरा इस्तांबुल है वहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, और इस तरफ भी एक आइलैंड है, और उस उधर पीछे काफ़ी सारे आइलैंड पीछे छोड़ के आए हैं। फिर अराउंड टाइम अभी हो गया है 1:45 और 1:50 पे वहाँ से ले, पूरा एक घंटा लगा है यहाँ पे इसको पहुँचने में। चले भाई मयूर कदा पहुँच गए हैं, ये सामने जेटी पे, हार्बर पे, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे लग रही है फेरी, और आइलैंड कुछ बाहर से देखने में ऐसा है। चलें जी अभी निकल रहा हूँ फ्रॉम ये जो जेटी थी इधर से, और आगे जाके मैंने लेना है साइकिल, और साइकिल कहाँ से लेना है वो भी देखता हूँ जहाँ से सस्ता पड़ा मुझे। और ये सामने होटल भी है, एक होटल का पता करता हूँ ताकि आप लोगों को अगर आकर यहाँ पे स्टे करना हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए होटल की, बहुत अच्छी जगह है होटल में स्टे करने की यहाँ पर। लें जी साइकिल मैंने अपना ले लिया ये वाला, अब इधर मैं करूँगा आवारागर्दी और जगह जगह पे साइकिल रुकूँगा, पिक्चर्स लूँगा, गलियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये रही मेरी साइकिल, और ये कोई पुराना सा घर है, वुडन बना हुआ है सारा, तो ऐसे ही घूमता फिरूँगा। और 3:30 बजे की फेरी है, और उसको लेकर दोबारा वापस इस्तांबुल चला जाऊँगा। चलें जी गलियां एक्सप्लोर कर रहा हूँ ब्यू कदा आइलैंड की, और साइकिल चला रहा हूँ। इसमें 1 घंटे का हमारे पास टाइम है साइकिल पे आवारा गर्दी करने का। साइकिल मिली है 20 लीरा की पर आवर, तो बस ऐसे साइकिल पे। वैसे तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए वो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे अभी पीछे गुजर के गई है, आप उन गाड़ियों पर भी जा सकते हैं, बट मैं साइकिल पे कर रहा हूँ। गलियाँ दिखाता हूँ आपको कैसी हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, चढ़ाइयों वाली जगहों पे मैंने नहीं जाना है भाई, जोर लगेगा। और डॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ना हो कि कहीं से निकल के आ जाए और पकड़ ले।
मेरे ख्याल से साइकिल पे आना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एक्सप्लोर अपनी मर्ज़ी से करो। ये आ रही है गाड़ी, आपको दिखाता हूँ, जो टूरिस्ट के लिए है पीछे। भाई अब जोर लगने लग गया। ये वो देखें, वो सामने खड़ी हुई है, ये लाइक दिस। तो इसमें एक दो बंदे पीछे बैठ जाते हैं, एक ही बंदा, तो वो पूरी गलियां घुमा देते हैं उनको ना। पता नहीं कितने का है, इतने का होगा, 20-50 लीरा लेते होंगे। ये देखें, ये घर भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। घर ऑलमोस्ट सारे बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पे बने हुए। बिल्लियाँ आ गई, कुत्ता ना निकला है बस कहीं से, नहीं तो अपन से तो तेज नहीं भागा जाएगा। तो ये है मैग्नेट की शॉप, और यहाँ से आप ये वाला मैग्नेट बियोकला का भी ले सकते हैं, जो कि आपको मिलेंगे 10 लीरा के 4 और या 20 लीरा के 4। तो हर जगह के अपने डिफरेंट मैग्नेट्स हैं। तो ये घर के आगे साइकिल खड़े हुए हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको इसी तरह के आइलैंड से ही मिलेंगी। चले जी, वापसी हो गई है। अभी फेरी ये वाली सामने लगी हुई है, इससे जाना है। अपना जो इस्तांबुल कार्ड था वो लगाया है, 4 लीरा में जो है ना वापस जा रहा हूँ। और ये वाली शायद इनकी गवर्नमेंट वाली सर्विस है, थोड़ी सी जल्दी है, लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भाग लेता हूँ। और ये वाली सामने ये लगी हुई है, इस फेरी पे जाऊँगा क्योंकि ये 4:30 बजे निकल रही है, 2 मिनट रह गए हैं इसको। हर चीज़ में भागना भागना लगा हुआ है मेरा। तो ये कुछ ऐसे हैं, ये गवर्नमेंट वाली जो है ना, वो जो पब्लिक फेरी चलती हैं, ये वो वाली है। तो बियोकला का टूर कंप्लीट हुआ और अब वापस इस्तांबुल की तरफ जाऊँगा। जी फेरी ने उतार दिया है कबाताश पे, एमिनोनो नहीं ये जाती, मैंने बाद में पूछा। तो अब एमिनोनो ये ट्राम लेकर एमिनोनो जाऊंगा। ये कबाताश तकसीम वाली साइड पे है और एमिनोनो सुल्तान अहमद वाली साइड पे। तो अब यहाँ से 4 लीरा का अगेन टिकट ले टिकट क्या कार्ड बना हुआ है वो लूँगा ट्राम